स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया में। दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसे गुरु हैं जिनसे काफ़ी सारे लोग पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग लाइन लगाते हैं। आप देख ही पा रहे होंगे, अगर आप इनको पहचानते हैं चेहरा से या इनकी क्लासेस कभी गए होंगे तो आप इनको पहचानते होंगे। काफ़ी सारे लोग को नहीं पता होगा, बट इनका नाम अगर जब आप सुनोगे तो आपको इनका नाम के बाद आप आगे बहुत कुछ सोचोगे, जैसे कि बिहार एसआई की बीपीएससी कैसे सब क्लियर करें, और आप जैसे इन्फोर्समेंट की भर्ती आ रही है उसके बारे में क्या आपकी स्ट्रेटजी प्लान होगी, कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, कैसे आप एक नौकरी को अचीव करोगे बिहार के अंदर। आप जानते हो कितनी कंपटीशन बढ़ रही है, लेकिन एक वेल प्लान के साथ अगर आप पढ़ने जब जाते हो ना तो सबसे पहले सर नाम आता है आपका। तो आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे और ये आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जहाँ से आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम सर से जानते हैं इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। सर बताइए, अब पूरे बिहार भर में क्या भारत भर में अभी अब अगर आप करंट अफेयर्स प्लस बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, इसके अलावा एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे मार्केट में नोट्स उपलब्ध हैं रमांशु जिस क्लासेस के नाम से, करंट अफेयर्स के नाम से, और इन सारी चीज़ों को आप फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर ऐसे भी आप सर्च करेंगे गूगल पे बेस्ट जीएस क्लासेस इन पटना या बिहार तो आपको रमांशु जीएस क्लासेस का नाम दिखाई देगा। उसमें हम बच्चों को आजकल के समय में जब एग्ज़ाम बहुत टफ होता जा रहा है, पहले एग्ज़ाम बहुत आसान था, आसान का सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारे पास एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस नहीं होते थे, कुछ किताबों से ही हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है जिसमें गांव के बच्चों के पास भी इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से पहुंच जा रही। ऐसे में अब कंपटीशन टफ होता जा रहा है। ऐसे भी अगर आप पेपरों की बात करें तो अभी बिहार दरोगा का पेपर कुछ दिन पहले हुआ है, बिहार पुलिस का पेपर कुछ दिन पहले हुआ है, पेपर का स्टैंडर्ड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ हम पुरानी बेसिक किताबों पर ही डिपेंड थे जिनको हम पढ़ा करते थे, अब उनसे बहुत कम प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोग उन्हीं किताबों पे फोकस किए होंगे। आपको थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो सर आप इन सारे अभ्यर्थियों को, सारे व्यूअर्स को ये बताइए कि वो जो गांव में रहते हैं, क्योंकि जो शहर में पढ़ते हैं उनको तो अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे गांव में रहते हैं और उनको कोई अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है, उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं और उनको क्या आप टिप्स देना चाहते हैं? देखिए जहाँ तक अब गाँव की बात हो गई है तो मैं अभी कुछ देर पहले ही इस बात का जिक्र किया कि अब मोबाइल के माध्यम से हम बहुत आसानी से बहुत जगह पहुंच सकते हैं जो पहले संभव नहीं था। जैसे सर कोई आप माध्यम बताइए कि किस माध्यम से आप बता सकते हैं? जैसे अगर आप YouTube पे सर्च करें, अगर आप Facebook पे जाएं, इसके अलावा अगर आप कोचिंग की बात करें और भी बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं जिससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है। समस्या ये आ रही है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ों, एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उसमें हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। इन व्यूअर को बताइए जिन्होंने एसआई का पेपर दिया है, बहुत सारे लोग एसआई की कट ऑफ, कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुआ पता चला है कि लोग पेपर आउट कर देते हैं, तो क्या इस पे कट ऑफ को लेकर के चाहे जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी फ्यूचर कैसे जा रही है? क्योंकि जैसे आपने देखा बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हुआ, आपके जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसकी पेपर आउट हो गया, उसके बाद आपके बिहार फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम हुआ उनकी पेपर जो थी आउट हो गया, फिर एसआई के एग्ज़ाम हुआ उसकी भी पेपर आउट हो गया, और फिर आपकी जो कांस्टेबल के पेपर हुआ अखबारों में जैसा बताया जाता है, इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं किसी के पास, लेकिन बताया जा रहा है कि पेपर 500 रुपये में आउट हो गया, क्या इससे बच्चों का फ्यूचर प्रभावित होगा? देखिए कहीं भी अगर ये न्यूज़ आती है कि पेपर आउट हुआ तो उसमें दो चीज़ें हो जाए, या तो सही हो या तो रूमर हो सकता है। लेकिन एज ए स्टूडेंट हम यही मानेंगे कि उसको रूमर ही माना जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण जो हमें उपलब्ध हैं उस प्रमाणों की प्रामाणिकता पे बहुत सारा संदेह भी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं होता तो इस बात को आगे फैलाने लगते हैं कि भाई पेपर जो है आउट हो गया, चाहे ये हो गया वो हो गया। खैर हमारा इस पे यही ध्यान रहेगा कि हम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, इन चीज़ों पे कम फोकस करें, क्योंकि जो पेपर आउट करने वाले हैं वो आउट करेंगे। और हम ये भी मान लें कि पेपर आउट होने से 2-4% लोगों का अगर लाभ होता है तो बाकी अभी तो आपके पास 95% सीटें हैं ही हैं जिस पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि 5% को हटा दें और 95% के लिए हम फाइट कर लें। वैसे नॉर्मली जैसे मैंने देखा है कि पिछले बार भी लोगों का दरोगा का पेपर आउट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरिट 55 के आसपास गई, 200 में 110 नंबर पर सिलेक्शन हुआ। तो नॉर्मल तो एग्ज़ाम में सारे ऐसा होता ही,
तो इस बार भी जो अभी पेपर लोग आउट करने की बात कर रहे हैं उस पर सारी छानबीन जो भी चल रही है उसको तो हम बाद में देखेंगे। इस बार भी मेरिट जो है लगभग 55 और 60 के बीच में ही रहेगी जनरल की, और उसके हिसाब से ओबीसी और बाकी ईबीसी का है दो दो चार चार नंबर घटाते जाएंगे। मतलब सर का कहना है कि जो आपका पीटी जिन्होंने जो अभ्यर्थी ने दिया है, अगर आपके 55+ मार्क्स हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो सर अगर आप मेंस के कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सी बुक बेस्ड होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, लेकिन अगर कुछ ऐसे बुक्स, कुछ ऐसे नोट्स जो कि डायरेक्टली कोई भी कैंडिडेट को बेनिफिट पहुँचाए, तो उसके बारे में बताइए कि क्या पढ़ें ताकि एग्जाम क्लियर हो, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर कुछ ऐसा चीज जो कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा लाभ कर दे। देखिए, दरोगा के पेपर के बारे में मैंने पिछले बार भी प्रेडिक्ट किया था, इस बार भी किया था। हम लोग के मार्केट में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं दरोगा के लिए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 तीन पार्ट में अवेलेबल है। मैंने उस पर कुछ चीज़ों पे फोकस किया था। देखिए, जो बिहार दरोगा का प्री का पेपर होता है उसमें बिहार स्पेशल के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, जबकि करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। वहीं जब हम अब सेकेंड स्टेज में पहुँचेंगे, मेन्स में पेपर में पहुँचेंगे, तो वहाँ एक तो हिंदी बढ़ जाता है, हिंदी के साथ साथ अब थोड़ा सा आपका बिहार स्पेशली बढ़ जाएगा, और वहाँ पे करंट अफेयर्स मेंशन नहीं, इसलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम होगी। जो आपने प्री में करंट पढ़ा होगा, मेंस पे नहीं आने की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपका फंडामेंटल जीएस है वो प्लस हिंदी, और हिंदी भी क्वालिफाइंग है तो आपको लाइक क्वालिफाइंग के हिसाब से पढ़िएगा। जो बेसिक चीज़ें जो उसमें सारी चीज़ें आती हैं कि विलोम के वह होता है, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, कुछ किताबों के नाम, इसके अलावा कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ मुहावरे, इन पे फोकस, थोड़ा सा समास, थोड़ा सा उपसर्ग, थोड़ा सा प्रत्यय, थोड़ा बहुत संधि के बारे में, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आराम से आप जो है हिंदी क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब आप हिंदी क्वालिफाई करेंगे तभी आपका मेंस का कॉपी चेक किया जाएगा। इसमें मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि लड़के सोचते हैं कि कॉपी तो मेंस के हिसाब से मेरिट बनेगा, बिल्कुल मेंस के हिसाब से मेरिट बनेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हिंदी क्वालिफाई करें, तो हिंदी क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। अच्छा, जीएस के पेपर के बारे में मैं थोड़ा सा फिर से एक ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए, अब पेपर का स्टैंडर्ड वो नहीं रहेगा कि पिछले वर्षों में हम क्या करते थे कि खाली क्वेश्चन को हमने रट लिया और रट के हम परीक्षा में पहुँच गए, एग्जाम में आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। उसके अलावा क्या होता है कि हम लोग की टेंडेंसी बन गई है कि प्रश्न कुछ भी पूछे उसे कोई मतलब नहीं, आंसर जो हमें आता है वही हम लिख के आएंगे। अब प्रश्न में बहुत सारे टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें चेंज की जा रही हैं, आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना होगा थोड़ा सा डेप्थ में, क्योंकि अगर आप देखें तो जो बीपीएससी और अगर दरोगा की बात करें तो दोनों का जो है एजुकेशन लेवल सेम है, क्वालिफिकेशन वो भी ग्रेजुएशन स्तर पे, ये भी ग्रेजुएशन स्तर पे। इसलिए ज़रूरी है कि चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बेसिक करंट जो थोड़ा बहुत आता है वो, इसके अलावा जो अब जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आएंगे, पिछले बार फिजिक्स केमिस्ट्री थे, इस बार बायोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा कम, और बिहार स्पेशल पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। सर ने अभी आपको इतना बताया, बहुत कुछ जानकारी अभी दिया, लेकिन सर कुछ लोग बोलते हैं कि सर कितना घंटा पढ़े, क्या 16 घंटा पढ़ लेंगे तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगा, या कुछ स्ट्रेटेजी प्लान बताइए ताकि लोग एक स्मार्ट वे से पढ़ें। और वो सारा कुछ जैसे मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि सर जो पढ़ते हैं वो तो आज पढ़ा बट कल वो भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स बताइए उनको ताकि वो पढ़े तो उनको वो याद रहे और किस वे से पढ़े कि उनको कुछ उस बेनिफिट हो। देखो, जहाँ तक टाइम की बात होती है कितनी देर पढ़ना चाहिए, किसी भी चीज़ में देर से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि कितना आपने क्वालिटेटिव पढ़ा। फिर भी क्वालिटेटिव अचानक नहीं होता कि आप 5 मिनट पढ़े तो 5 मिनट क्वालिटेटिव ही होगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अब उसको एक तरह से क्रिकेट की गेम की तरह देख लो कि जब हम 50-50 ओवर का मैच खेलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, शुरुआत के जो 5-10 ओवर होते हैं फील्ड पास होता है तो हम बहुत तेज़ी से खेलते हैं, और फिर लास्ट के जब 10 ओवर होते हैं उसमें हम बहुत तेज़ी से खेलते हैं, लेकिन बीच के दौरान हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड से हम खेलते रहते हैं। पढ़ाई में बिल्कुल यही करना चाहिए कि जब शुरू करते हैं तो चूंकि जोश ज़्यादा होता तो आप पढ़ेंगे ही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जोश कम होने लगे तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको करना ये है कि शुरुआत में अगर आपने 8-10 घंटे पढ़ना शुरू किया, बीच में थोड़ा वीक करने लगे, तो चाहे घर में कुछ भी हो, समाज में कुछ भी हो रहा हो, फिर भी कोशिश कीजिए कम से कम 3 से 4 घंटे, 3 घंटे भी अगर आप टाइम निकालते हैं अपनी पढ़ाई के लिए तो बहुत सफिशियंट होता है। एवरेज अगर किसी व्यक्ति का आप देखेंगे ना, 2-4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, तो 4 घंटे से ज़्यादा का नहीं आता। लेकिन जब हम लास्ट मोमेंट में जाते हैं तो बिल्कुल स्लॉग ओवर वाला मैच होता है जिसमें हम छक्के मारते हैं, तो जब एग्ज़ाम थोड़ा सा नज़दीक आ जाए तो हम टाइम को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, अगर 8 घंटे 10 घंटे हमारा संभव हो सकता है,
क्योंकि आप ज़्यादा करेंगे तो संभव हो नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आपको कोर्स बहुत ज़्यादा रिवाइज करना होता है तो रिवीजन में आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ों को बार बार रिकॉल करना होता है। तो अगर आप हमारे हिसाब से, जो हम लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं, तो अगर आप रेगुलर 6 घंटे के अगर आसपास पढ़ाई करते हैं, 5 से 6 घंटे रेगुलर, तो मैं नो डाउट कहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। सर अभी बहुत सारे स्टूडेंट की हमेशा यही कमेंट आता है और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट, क्योंकि आज जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर यहाँ पर, वो मैक्सिमम लोगों का यही कमेंट आता है कि कैसे कुछ चीज़ को याद कर पाए, सीखते कैसे हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। देखिए एग्ज़ाम में चाहे कोई भी लाइफ में हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें कैसे याद होती हैं उसके बहुत सारे थ्योरी बहुत सारे निकाले हैं साइकोलॉजिस्ट लोग ने कि कैसे पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें याद रहेंगी। पहली चीज़ तो ये होता है कि चीज़ों को पढ़ने से चीज़ें याद नहीं होती, चीज़ों को पढ़ते वक्त देखने से चीज़ें याद होती हैं। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब कभी आप मूवी देखने जाते हैं तो आप बड़े खुश रहते हैं, कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो, भाई मूवी देखने जा रहे हैं, और जाके आप मूवी जाते हैं तो क्या उसमें कोई कॉपी किताब तो लेके जाते नहीं, आप कॉपी पेन लेके जाते नहीं, और आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं और मूवी आपको पूरे के पूरे ज़िंदगी भर याद रहती है, जहाँ दोबारा देखते हैं तुरंत आपको याद आ जाता है ये तो वही मूवी थी, आगे सीन भी याद आते रहते हैं। तो आखिर कैसे होता है कि वो मूवी जो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आने वाली है और 3 घंटे की आपने मूवी लगातार देखी और ज़िंदगी भर याद है, लेकिन जो हमारी पढ़ाई चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में काम आने वाला है उसको हम 1 घंटे 2 घंटे में ही भूल जाते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि पढ़ते वक्त चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। देखने का मतलब क्या होता है कि हम तो पढ़ाई का मतलब ये सोचते हैं कि जनरल स्टडीज़ पढ़ने तो रटना है भाई, कि ये रट लो वो रट लो क्वेश्चन सॉल्व कर लो एग्ज़ाम में, नहीं इससे तो अब एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होने वाला, पहले होते थे। जैसे मान लो कि हमको ज्योग्राफी में पढ़ना है तो ज्योग्राफी में पढ़ते वक्त अपने पास हमने एटलस रख लिया, जहाँ जहाँ जिस स्थानों को पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को देख लें। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वक्त उस चीज़ को मेमोराइज़ कीजिए, उन चीज़ों को वहाँ पर पहुँच जाइए कि जब ऐसा काल रहा होगा तो कैसा रहा होगा, और एक बार उस तरह से पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री भी हमेशा याद रहेगी। और हिस्ट्री का मतलब नहीं होता कि हमेशा डेट याद रखना, डेट कुछ ही याद रखने पड़ते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा अकबर कब पैदा हुआ, कब खाना खाया, कब पहली शादी किया, कब दूसरी शादी, कब क्या, ये महत्वपूर्ण नहीं। अकबर को किस काम के लिए आज हम जानते हैं कि उसने महजर की घोषणा कब की, उसने दीन इलाही कब लागू किया, उसने जो है ये आईने दहसाला पद्धति कब लागू की, उससे मनसबदारी पर कब लागू की, जिसके लिए हम अकबर को आज जानते हैं वही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आगे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर हमें गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है तो जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुआ, ज्ञान उन्होंने कहाँ प्राप्त किया, उनके माता कौन, उनके पिता कौन, उनका दर्शन कौन, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, फालतू कहानियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। वो पढ़ें। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो कई लोग पॉलिटी में सोचते हैं कि 1 नंबर आर्टिकल से लेकर और 395 आर्टिकल रट गए तो IAS बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। सारे एग्जाम को आप स्टडी कर लेंगे तो कुल मिला के 30 से 40 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, उसके ऊपर नहीं पूछे जाते हैं। और हर टॉपिक का फिक्स है कि इस टॉपिक में से यही प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये तभी हो सकता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके देखें कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आसानी से आपके पास ये आ जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आप ये जान गए कि हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, उसी दिन आपके सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी सर ने आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दिया है और आप लोगों को ये पता होगा कि SI की PT हुआ है और आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग हमारे विद्यार्थी वैसे भी हैं जिन्होंने इन्फोर्समेंट का फॉर्म भरा है, तो सर इन्फोर्समेंट के बारे में बताइए कि वो जो PT होगा उनका कब तक होगा और उसकी तैयारी कैसे करें। देखिए अभी डेट के बारे में जहाँ तक है तो अभी कुछ दिन में डेट आ ही जाएगा, हमें लगता है कि जनवरी का महीना कुछ दिन में ख़त्म होने वाला है, जिसमें तो बिल्कुल कोई एग्जाम के चांसेस नहीं। फरवरी या मार्च में क्योंकि अप्रैल में हो सकता है कि दरोगा का मेंस भी हो जाए, तो मार्च अप्रैल में हो सकता है कि एक बार उसके PT का डेट आए। अच्छा, इन्फोर्समेंट भी कहीं ना कहीं आपके जो है पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो पेपर का लेबल होगा बिल्कुल वही होगा जो दरोगा का लेबल होगा, मतलब सेम दरोगा के बराबर लगभग आपका वो आपका पेपर जो है होने वाला है। सर लास्ट टाइम आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहते हैं बच्चों को जो कि उनके लाइफ को बदल सके। हाँ देखो, पेपर पढ़ते हो जैसे यहाँ मेन बातें तो पढ़ाई की हो रही हैं, तो उसमें कुछ बातें कह दूँ कि आजकल में जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स को बहुत फोकस किया जा रहा है, तो जो भी करंट में घटनाएँ घट रही, जैसे मान लो कि ईरान में भी कुछ घटना घटी, तो उस ईरान में घटना घटी तो वहाँ पर कौन सा
जो है रेगिस्तान है, वहाँ पे कोई नदी है क्या, वहीं पे पहाड़ कौन सा है, वहाँ कोई झील है क्या, उसकी राजधानी कहाँ पे है, उसके सीमाओं से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। अगर आप इस तरह पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वैसे एक मूल मंत्र मैं आपको सफलता का दे दूँ कि सफलता का मूल मंत्र, वैसे तो किसी भी सफलता कोई मूल मंत्र नहीं होता है, सब जितने भी लोग सफल होते हैं उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत का तो भाई कोई विकल्प ही नहीं, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेहनत में आपकी क्वालिटी आ गई, क्वांटिटी नहीं सिर्फ क्वालिटी आ गई, और आपका दिशा सही रहा, तो आप कम समय में ही बहुत कुछ पा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ कि दिशा हमारा सही हो, दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए आप उन लोगों से कांटेक्ट मत कीजिए जो 20 साल 25 साल से पढ़ रहे हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सीनियर होते हैं उनसे जाके पूछ लेते हैं, वो तो खुद ही 10 साल से फेल हो रहा है और आपको भी बता देगा वही तरीका। उनसे ना जाके आप प्रीवियस क्वेश्चंस या प्रीवियस से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर निश्चित दिशा में अगर हम मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में सफलता मिल जाएगी। चलिए सर, आपने अभ्यर्थियों को बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सर हमारे साथ जुड़े। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, अगर आप लोग अपने लाइफ में इस पॉइंट्स को अपनाते हो, तो कोई भी एग्ज़ाम शायद सर क्लियर ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग सर के बताए रास्ते पर चलो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्स्टेबल के लिए भी अवेलेबल नहीं है सर, शायद जो भी सर पॉइंट बता रहे, या आपकी कांस्टेबल हो, आपकी एसआई हो, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपको पता है रेलवे एनटीपीसी की भी आ रही है भर्ती, एग्जाम होने वाली, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो और आप अपने एग्जाम को ना बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और मेरी मानो ना, मेरी नहीं सर की बात मानो, तो आप अगर रेगुलर 6 घंटा पढ़ाई अपना करना शुरू कर दिया ना, तो 6 महीने के अंदर गारंटी है कि आपकी कोई ना कोई सरकारी जॉब फाइनल हो जाएगी। क्यों सर? कि हम लोग, मैं आप जो आपके सामने लाइव हुआ हूँ उसके लिए अंकित जी को और उनके जो संस्था है एके इंडिया, जी सर, जिसको आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे देते रहते हैं। इसके अलावा हम लोग भी जो है समय समय पर रमांशु जिस क्लासेस के फेसबुक पे ये सारी इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन डालते रहते हैं, गाइस आप देख मैं सकते आपको हैं। बता दूं, सर का फेसबुक पेज आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से सर को चेक कर सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल आपको मिलते रहते हैं, और सर के रिलेटेड बहुत सारी सोशल मीडिया, जैसे कि टेलीग्राम हैंडल हो गया, साथ इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल अभी आने वाला है सर का, हाँ तो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट दूंगा। हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पहले तो मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे दूँ। पटना में नया टोला में रमांशु जिस क्लासेस के नाम से हम लोग की कोचिंग चलती है, जिसमें हम लोग जीएस के बारे में बहुत कुछ पढ़ाते हैं। सारा सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाकर के आप चेक कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर करना जो कि अपने लाइफ को सक्सेस में देखना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उनके साथ शेयर करो। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल में पहली बार हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे ही मिले आप लोगों तक पहुँचाते रहूँ, और आपको कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते पर आपको मोटिवेट जो है वो करते रहें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।